हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और एलपी ब्यूटी चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग को डिजाइनर ब्लाउज बताने वाली हूँ। कटिंग और स्टिचिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से देखकर आप सीख सकते हैं और ख़ुद से ऐसा ब्लाउज बना सकते हैं। आप जैसा पिक में देख रहे हैं, बैक और फ्रंट का दोनों पिक मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। तो आई होप आप लोग को डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले वो देखने को मिल सके। ये साइड में जो मैंने अभी दिखाया उसमें चेन लगाना है, आप चेन लगा लीजिएगा उसमें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छाती का साइज़ लिए हैं और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। लंबाई हमारा 15 इंच है तो हम लोग 16 इंच लेंगे, 1 इंच आपका मोड़ने में जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमने गले के लिए 4 इंच लिया और कंधा 3 इंच लिया और इस तरीके से 6 इंच कांखी लेके मिला दिया। गला हमने 4 इंच लंबाई लिया है और इस तरीके से कट कर लेना है। ओके, ये हमारा आगे का पल्ला हमने हटा दिया और पीछे के पल्ले में हम लोग डिजाइन बनाएंगे। इस तरीके से मैंने डिजाइन बनाया और इसको कट कर लेना है। आपको डिजाइन सिर्फ अस्तर में ही कट करना है, आपको कपड़े में डिजाइन कट नहीं करना है, क्योंकि आप जब स्टिच करेंगे तो डिजाइन अच्छे से नहीं बैठेगा अगर आपने कट कर दिया तो। इसलिए आपको कपड़े में डिजाइन कट नहीं करना है। ओके, इस तरीके से कट करना है। आप वीडियो देख के आराम से ध्यान से देख देख के रिपीट कर करके देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से ये डिजाइनर ब्लाउज बना पाएंगे। तो इस तरीके से मैं अभी गला कट कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने डिजाइन को कट नहीं किया है, ये आप बाजू बना सकते हैं यहाँ से। अब इसको स्टिचिंग करने के लिए मैं बताऊँगी। सबसे पहले मैं पीछे का डिजाइन जो बना, तो यहाँ पे हम लोग डिजाइन तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कपड़े में मैंने कट नहीं किया है, सिर्फ हमारा अस्तर में डिजाइन कट हुआ है। तो इस तरीके से स्टिच करना आप वीडियो देख के आराम से देख देख के सीख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो था, मैंने आप लोग के लिए जल्दी जल्दी करके थोड़ा शॉर्ट किया है वीडियो, ताकि आप लोग को ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते। इसके लिए ये देखिए इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है इसको कपड़े के साथ ही, और फिर इसको अंदर वाले कपड़े को कट कर लेना है। मैं डबल सिलाई चला दे रही हूँ ताकि हमारी सिलाई बाद में खुले ना। इसके लिए आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा ये ब्लाउज। उसके बाद से आपको इस तरीके से कट कर लेना है और जहाँ जहाँ पे घुमाव है वहाँ वहाँ पे आप इस तरीके से कट करेंगे। जैसे यहाँ पे नोक निकालना है तो नोक को आप कट करेंगे और थोड़ा थोड़ा कट करें ताकि हमारा डिजाइन अच्छे से बैठ जाए। सिलाई तक आपको इस तरीके से कट करते जाना है और बीच वाले कपड़े को निकाल के इसको पूरा पलट लेना है। जो आपने डिजाइन बनाया था उसी के अंदर से पूरा इस तरीके से पलट लेना है। ओके, ये देखिए काफ़ी अच्छा डिजाइन बैठ गया है। अभी हम इसको ऊपर से सिलाई चलाएंगे इसके ऊपर। सिलाई इसलिए चला दें ताकि हमारा डिजाइन अच्छे से बैठ जाए, बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसके साइड में अगर चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, उससे और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा आपका ब्लाउज। जो आपका पीछे का पल्ला तैयार हो जाता है, ऊपर नीचे जैसे गला पट्टी और नीचे का कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी मैं यहाँ पे टेकिंग लगाऊंगी, देख सकते हैं इस तरीके से आपको टेकिंग लगानी है यहाँ पे। ओके, दोनों तरफ आपको टेकिंग लगा देना है। आगे का पल्ला मैंने पूरा ध्यान से एक एक चीज़ समझाई है, तो पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी यह है आगे का पल्ला, कपड़ा और अस्तर दोनों हैं। इसको देखिए किस तरीके से सिलना है मैंने। पहले आप ये कांखी भी हमको पलट लेना है, तो इस तरीके से स्लेवलेस ब्लाउज है तो हम लोग कांखी भी यहाँ पे पलट लेते हैं। आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। आप गला भी सिलना है इस तरह, थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे तो बहुत अच्छा से बैठ जाएगा, ये फिनिशिंग आएगा सिलाई में, इसलिए कट करना ज़रूरी होता है। गले में भी आपको कट करना पड़ेगा। देखिए मैं सिल के दिखाती हूँ, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सब जगह कट कर देना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सिलाई कैसे कर रही हूँ मैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से आप खूबसूरत ब्लाउज सिल सकते हैं अपने हाथ से। अब नीचे का भी पल्ला हमको उलटना है तो हम लोग नीचे का भी इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो गाइज बताइएगा जरूर कि आप लोग को मेरे बताने का तरीका कैसा लगा और अच्छे से समझ में आया या नहीं।
और आप लोगों को मेरी ड्रेस डिजाइनिंग अच्छी लगती हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कुछ आपको ड्रेस डिजाइनिंग में सीखना हो तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। हर तरीके का डिजाइनर ड्रेस मैं बनाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा जरूर। अब ऊपर से हम लोग चाप सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा डिजाइन जो हम गला पट्टी कांखी वगैरह सब अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद से सिलाई चलाने के बाद से आपको यहाँ पे टेकिंग लगा लेना है दोनों तरफ से, लॉक्स कर दे रहे हैं ताकि हमारा सिलाई खुले ना, क्योंकि हमको नीचे तुरपाई नहीं करना है, इसे लॉक सिलाई ज़रूर चलाइएगा। अभी मैं यहाँ पे अब इसके बाद से चाप सिलाई चला रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई साड़ी डालता हो तो इस तरीके का ब्लाउज आप लोग बना सकते हैं और पहन सकते हैं। आजकल सिलाई का चार्ज बहुत ज़्यादा है तो आप लोग वीडियो देख के मेरे सीख सकते हैं और खुद से बना सकते हैं डिजाइनर ड्रेस वगैरह कुछ भी। ये हमारा चाप सिलाई कंप्लीट हो गया। अभी हम यहाँ पे कंधा ज्वाइंट करेंगे दोनों पल्ले का। ये देख सकते हैं बैक का पल्ला है और ये आगे का है, फ्रंट और बैक दोनों का कंधा इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे और ऐसे ऊपर से चाप सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है अंदर का वो बाहर दिखे ना जब हम ब्लाउज पहनेंगे। तो इसके लिए दोनों साइड का कंधा इसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से हम लोग फिटिंग करेंगे। और चैन लगाने वाला कैसे बनाना है ये भी मैंने बताया हुआ, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ओके अब हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए आपका जो भी बाजू का साइज़ हो उतना नाप लीजिए। मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ, आपका जो साइज़ हो आप उतना ले लीजिएगा। यहाँ से ही आप सिलाई स्टार्ट करेंगे और आपका छाती का साइज़ जितना होगा उतना आपको बीच में नापना है। ये देखिए यहाँ से ये जिनका ब्लाउज है उनका 40 है तो मैंने यहाँ पे 20 इंच पे नापा है और उस तरीके से सिलाई चला लेना है पूरा। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा सिलाई फिनिशिंग दिखे, गंदा ना दिखे। इसके लिए अब दूसरी साइड हमको चेन लगाना है तो देखिए किस तरीके से करना है सिलाई। दोनों कांखी को नाप लेंगे और जहाँ तक आ रहा है वहाँ पर सिलाई चलाएँगे। हमको 2 से 3 इंच तक ही सिलाई चलाना है। छाती का साइज़ आप जरूर देखिएगा, ये देखिए 20 इंच आया, 20 इंच से मैंने सिलाई चलाया, यहीं तक आपको चलाना है और डबल सिलाई करके लॉक्स कर देते हैं सिलाई को। अब इसके बाद से जितना आपका कमर का साइज़ हो पहले आपने इधर सिल लिया है वहाँ से आप ले लेंगे नाप के और जहाँ पे आया वहाँ पे इस तरीके से आपको सिलाई कर लेना है। ओके और अभी आपको चैन लगाना है इसमें, तो इस तरीके से एक साइड का सिल लिया, दूसरी साइड का पूरा फोल्ड नहीं करना है, आपका जहाँ पे सिलाई आया है वहाँ तक लेके सिलाई कर देना। और इस तरीके का ब्लाउज हमारा कंप्लीट। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू गाइस।